साथियों, आज हम भागवत गीता पर चर्चा करेंगे कुछ आपसे। साथियों, आपने बहुत बार नाम सुना होगा भागवत गीता का। हो सकता है कि आपने इसके कुछ अंश सुने भी हों और आपने कुछ अंश पढ़े भी हों। लेकिन साथियों, एक कहावत है कि यदि आप गुड़ का स्वाद जानना चाहते हैं तो आपको उसे खाना पड़ेगा। साथियों, यदि आप बीमार हैं तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। जब तक साथियों उसका हल आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन की तमाम समस्याओं का हल आप नहीं निकाल सकते। साथियों, यही जीवन जीने की कला है श्रीमद् भागवत, जिसको भागवत गीता भी कहते हैं। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने घर में गीता का पुस्तक जरूर रखें। ये आपको गीता प्रेस गोरखपुर की दुकानों में काफ़ी कम दर पर आपकी अपनी भाषा में अर्थ सहित आपको मिल जाएगी। आप अपने घर में रखें, स्वयं पढ़ें और एक निश्चित समय पर सबको पढ़ने की सलाह दें। और साथियों, मेरा दावा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। साथियों, कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था और ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। साथियों, जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अपने जीवन में अनिश्चय की स्थिति में होते हैं, या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से इतना विचलित हो जाते हैं कि उसका समाधान करने के स्थान पर हम भाग खड़े होते हैं और साथियों परेशान हो जाते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने इसी पर गहन विचार विमर्श के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है, जिसे इस गीता को उपनिषद की श्रेणी दी गई। जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त उसकी जो बौद्धिक ताकत है, बौद्धिक शक्ति है, वही है, वही उसके जीवन जीने की कला है। साथियों, श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमान में जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जिन लोगों ने इसे पढ़ा है, उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है इसने। भागवत गीता सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर ने काफी कम मूल्य पर, बहुत इसकी लागत पर इसे अनेक भाषाओं में छापा है, कई आकारों में, अर्थ और भाष्य के साथ। और इस प्रकाशन को इसने इसी वजह से आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया। साथियों, इसे आप प्रतिदिन पढ़ें, अर्थ सहित पढ़ें अपनी भाषा में। लेकिन जब आप गीता पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। लेकिन साथियों, यदि आप तीसरी बार इसे पढ़ेंगे तो ये समझ आने लगेगी आपको। और साथियों, जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी समझ आने लगेगी।
लेकिन साथियों जब आप पांचवी बार इसे पढ़ेंगे तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, आपको वो ज्ञान समझ में आने लगेगा। ये आपको ज्ञान देने लगेगी। और जब आप छठी बार इसको पढ़ेंगे तो जो जीवन में आपके कर्म का महत्व है, वो जीवन में कर्म के महत्व को आप समझ पाएंगे। साथियों अगर आप सातवीं बार जब इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको तमाम समस्याओं का समाधान निकालने की समझ आ चुकी है और आपके घर के सारे क्लेश ये दूर कर देगी। साथियों इसी प्रकार जब आप आठवीं बार पढ़ेंगे तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़े बड़े विघ्न हैं, उनको दूर करने की भी आपको समझ आ जाएगी। साथियों जब आप नवीं बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की छोटी बड़ी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है और आपको जीवन जीने की कला समझ में आ गई है। इस प्रकार ये आपके घर को समृद्ध बना देगी। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी, तमाम सफलताएं भी मिलेंगी। साथियों जब आप दसवीं बार पढ़ेंगे तब इन सब बातों के आप अभ्यस्त हो जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि आप इसके ज्ञानी बन गए, पूर्ण ज्ञानी बन गए। लेकिन साथियों जब आप ग्यारहवीं बार पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से व्यवसायी बना देगी, अर्थात आप दूसरे लोगों से व्यवहार करने में कुशल हो जाएंगे। आपके अंदर दूसरों से व्यवहार करने की कुशलता आएगी, इससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा। साथियों जब आप बारहवीं बार इसको पढ़ेंगे तो आप कृष्ण के समान चतुर हो जाएंगे, अपने फैसले लेने में आप चतुर हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा फैसला ले पाएंगे, आपको अपने फैसले पे भरोसा और विश्वास होने लगेगा। साथियों जब आप तेरहवीं बार पढ़ेंगे तब साथियों आपके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि आप ये सब सिद्धांत दूसरों को भी बतला सकें, अच्छे से बतला सकें। इस तरीके से ये आपको एक कुशल वक्ता भी बना देगी कि आप दूसरों को समझा सकें। साथियों जब आप चौदहवीं बार पढ़ेंगे तब आप ये मानकर चलिए कि आप जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय इन तमाम जाति की जो विभेद हैं, भेद हैं, इन सबसे आप ऊपर उठ जाएंगे। साथियों जब आप पंद्रहवीं बार पढ़ेंगे तो आप ये समझिए कि इतना सब करने के बाद ये पंद्रहवीं बार में आपको कृष्णमय ही बना देगी, कृष्ण ही बना देगी। साथियों जब आप इसको सोलहवीं बार पढ़ेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में इस संसार का जो युद्ध है महाभारत का, इसमें आपको जीतना सिखा देगी, इतनी आपके अंदर कुशलता आ जाएगी। साथियों जब आप सत्रहवीं बार पढ़ेंगे तो आप मोक्ष की ओर प्रवृत्त होंगे, आपको ये दुनिया का जो वस्तुएं हैं, भोग है, इनसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये आपको प्रलोभित नहीं कर पाएंगी। साथियों जब आप अठारहवीं बार पढ़ेंगे तब आप भय मुक्त हो जाएंगे, अर्थात जन्म और मरण का जो बंधन है, आप बिल्कुल मृत्यु से भय आपको दूर हो जाएगा। जीने मरने का जो भय है, जो लोभ है, वो समाप्त हो जाएगा। साथियों इस तरह से कम 18 बार अर्थ सहित प्रतिदिन निश्चित समय पे गीता को पढ़ें और अपने जीवन जीने की कला में पारंगत हों, अपने जीवन की तमाम समस्याओं, तमाम मुश्किलातों से आपको छुटकारा मिलेगा।
साथियों, गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार भागवत गीता को पढ़िए, तब जाकर आप कृष्ण की तरह एक योद्धा भी बनेंगे, एक रणनीतिकार भी बनेंगे, एक कुशल वक्ता भी बनेंगे। साथियों, यदि आपको मेरी बात पर भरोसा न हो, थोड़ा सा भी संदेह हो, तो आप एक बार इसको करके देखें, इसको आजमा के देखें। साथियों, ये आपके जीवन की सभी समस्याओं को हल कर देगी, आपकी सभी समस्याओं का हल इसमें है। साथियों, यदि आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो ये आप जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।